हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर जमीन, आसमान और समुद्र के रास्ते अभी तक का सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक हमला किया था। लेकिन इसके बाद हमास का सफाया करने के लिए इजरायली सेना ने गाजा पर चढ़ाई कर दी थी और तब से लेकर अब तक इजरायली फोर्स गाजा में ही मौजूद है। और करीब 200 दिन पूरे होने के बावजूद हमास का खात्मा नहीं कर पाई है, बल्कि हमास इजरायली सेना पर और ज्यादा भीषण तरीके से हमले कर रहा है। हमास के अलावा लेबनान का हिजबुल्ला भी अक्टूबर से ही लगातार उत्तरी इसराइल पर हमले कर रहा है, जो इजरायली सेना के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। और अब हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमलों को लेकर एक ऐसा आंकड़ा जारी किया है जो न सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी मिडिल ईस्ट में एक बड़े खतरे की घंटी है। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन और सीरियाई इलाके में इजरायली सेना के खिलाफ 1650 ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि इन 200 दिनों में उसने इजरायली सैन्य अड्डों पर 55 हमले किए हैं। वहीं इजरायली बॉर्डर पर बनी सैन्य चौकियों पर हिजबुल्ला ने 1112 हमले किए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने इजरायली बॉर्डर प्वाइंट पर 176 अटैक किए हैं, जबकि 70 हमले इजरायली मिलिट्री बेस पर किए गए हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने 51 हमले इजरायल के एरियल ऑब्जेक्ट्स और एयरक्राफ्ट पर किए हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला ने इजरायली सेटलमेंट्स पर 186 हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने 77 स्नाइपर या ऑटोमेटिक हथियार से आईडीएफ पर हमले किए हैं। इसके अलावा 727 जमीन से जमीन पर वार करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल सिस्टम से हमले किए हैं। इसके साथ ही 352 गोले इसराइल की तरफ दागे गए हैं। इसराइल पर 546 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी दागी गई हैं। साथ ही 55 ड्रोन हमले आईडीएफ पर किए गए। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने आईडीएफ पर हमले के लिए 50 एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है और 17 विस्फोटक डिवाइस भी इन हमलों में इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा 136 सीधे हमले करने वाले हथियारों का भी आईडीएफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इजरायली फौज को अपने हथियारों का भी भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला के मुताबिक इन हमलों में 722 इजरायली सेटलर्स हाउसिंग यूनिट्स तबाह हो गए हैं। साथ ही आईडीएफ के 338 तकनीकी उपकरण भी इनमें नष्ट हुए हैं। इसके अलावा 344 फोर्टिफिकेशन और बंकरों का आईडीएफ को नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि आईडीएफ को 33 आर्टिलरी पोजीशंस का भी नुकसान हुआ है। साथ ही 67 इजरायली कमांड पोस्ट बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा इजरायली सेना के 92 सैन्य वाहन भी इन हमलों में नष्ट हुए हैं। इसके अलावा 5 इजरायली आयरन डोम बैटरीज को भी तबाह किया गया है। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने इजरायली सेना के 2 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी नष्ट किया है। साथ ही आईडीएफ के 5 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया है। और इन हमलों के अलावा हिजबुल्ला का सबसे बड़ा दावा है कि उसके हमलों में इजरायली सेना को 2000 सैनिकों का नुकसान हुआ है, जिनमें मृत और घायल सैनिक शामिल हैं।